बांका जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देशन पर इनके अधीनस्थ कर्मी एवं नगर प्रशासन छठ व्रतियों के लिए घाट तैयार करने में जुटे हैं। नदी और तालाब की सफाई कराई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से घाट पर छठ व्रतियों के लिए शौचालय एवं कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। छठ व्रतियों के लिए घाट पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। स्ट्रीट लाइट ज्यादातर खराब पड़ा हुआ है, नगर प्रशासन अब तक इसे ठीक नहीं कर सका है। लगता है छठ व्रतियों को इस बार घाट तक जाने में ज्यादा सफर अंधेरे में ही तय करना होगा। जिला प्रशासन जहां पूरी तरह से चुस्त है, वहीं नगर प्रशासन पूरी तरह सुस्त है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या विशेष रहेगा? इस बार छठ पूजा के अभी हम लोगों ने दिवाली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया है। इसके उपरांत हम लोगों का छठ जो है पर्व 17 से शुरू होकर 21 तारीख तक है। इसके लिए हम लोगों ने छठ घाटों का भ्रमण भी करा है और वहाँ पर देखा भी है। मेरे द्वारा स्वयं बांका में कई घाटों का निरीक्षण किया गया है और साथ में हम लोगों ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को भी वहाँ पर भेजा। मुख्यतः हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पर जितने भी असुरक्षित घाट हैं उन पर प्रॉपर बैरिकेडिंग, लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो हो जाए। दूसरा साफ सफाई, क्योंकि ये इसमें साफ सफाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो साफ सफाई पर हम लोगों ने विशेष जोर दिया है। इसमें कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से हम लोगों ने कोशिश करी है कि साफ सफाई जो है तालाबों पर, घाटों पर इत्यादि पर रखी जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण भीड़ वाले स्थान, उस जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए खासकर चेंजिंग रूम का भी प्रबंध किया है। और साथ ही हम लोगों का इस बार डेपुटेशन भी लगभग 423 जगह पर हम लोगों ने डेपुटेशन स्थल बनाए हैं, जहाँ पर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी दोनों ही लोग उपस्थित रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना। तो मैं एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये वाला छठ बहुत अच्छे से सभी के लिए बीते और सभी के जीवन। तो जैसे सब कुछ महिलाओं को घाट तक जाने में कठिनाई होती है, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहता है? इस प्रकार का व्यवस्था नहीं रहता है, बट हाँ अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हम लोग व्हील चेयर और एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है महत्वपूर्ण घाटों पर हमेशा रहती है और स्थानीय प्रशासन भी रहता है। जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है सभी लोगों को ये निर्देश है कि सभी जो स्थानीय लोग हैं उनकी हमेशा मदद करें। प्रशासन में मंत्रपूर्ण महादेव।